हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड क्विज पार्ट 6, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो कल मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर आपने देना था, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, जटागंगा। तो अब हम क्विज स्टार्ट करते हैं। क्विज स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको 10 से 15 सेकंड में अपना आंसर देना है। और आज से क्विज में 25 प्रश्न दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, गुप्तीगढ़ नामक स्थान जहाँ से पाषाणकालीन कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं किस जनपद में स्थित है? तो जल्दी से अपना आंसर 15 सेकंड में दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बौद्ध साहित्य के अनुसार जिस उसरी ध्वज पर्वत पर महात्मा बुद्ध गए थे, उसकी पहचान वर्तमान में किस पर्वत से की गई है? तो जल्दी जल्दी आंसर दें, जितने भी मेंबर लाइव हैं कृपया 15 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। थर्ड प्रश्न हमारा, ब्रह्मदेव मंडी जो कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की देन मानी जाती है, कहाँ स्थित है? गुड, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न हमारा, अशोक चल के आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? जल्दी दें आंसर और अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। इसका आंसर ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न हमारा, कुमाऊं के लिए पर्वत डोटी नाम से संबोधन किया जाता था? जल्दी जल्दी आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। छठवा प्रश्न हमारा, बालीचौड़ नामक स्थान किस चंद राजा से संबंधित है? गुड, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, भारती चंद। सातवां प्रश्न हमारा, बालीचौड़ नामक स्थान किस नदी के तट पर स्थित है? कृपया अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें और क्विज को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक मेंबर तक क्विज पहुंच सके और ज़रूरतमंद इसका फायदा उठा सके। तो इसका आंसर मेरा ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न हमारा, किस चंद शासक द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल अथवा धौल कहते थे? जल्दी आंसर दें। गुड, काफ़ी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। नौवां प्रश्न हमारा, राय जाति की बहादुरी से प्रसन्न होकर गोरखा राजाओं ने उन्हें किस उपाधि से विभूषित किया गया था? ऑप्शन ए बहादुर, बी सुब्बा, सी मल और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न हमारा, सबसार की रचना सुदर्शन शाह द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1828, 1818, 1808 और 1800। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न हमारा, भगवान गणेश की नृत्य करती हुई मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जल्दी जल्दी आंसर दे जितने भी मेंबर लाइव हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न हमारा, किस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, बी सबसार और सी सावरी ग्रंथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न हमारा, अमरनाथ की तरह किस जिले में भी बर्फ शिवलिंग स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, पी सी पिथौरागढ़, डी उत्तरकाशी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, चमोली के नीति घाटी में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14वां, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पुत्र प्राप्ति के रूप में जाना जाता है? क्षेत्रपाल मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर और माता मूर्ति। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न हमारा, कुमाऊं में केदारनाथ व बद्री भगवान मंदिर कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए जागेश्वर, बी द्वारहाट, सी बैजनाथ और डी चंपावत। तो इसका आंसर मेरा ऑप्शन बी। कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में पूजी जाती हैं तीलू रौतेली, जिया रानी, रानी दुर्गा देवी और सुशीला पंत। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न हमारा, कत्तूरी वंश का स्वर्णकाल किस राजा के काल को कहा गया है? जल्दी से आंसर दें 15 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न हमारा, पथिक पात्रिक के संपादक हैं? जल्दी से आंसर दें 18वां क्वेश्चन, पथिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न हमारा, रामायण लोक नाट्य जिसे वर्ष 2009 में विश्व अमृत्य सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है, कितने कितने ताल होते हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न हमारा, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए भैरवदास दुलिया, बी पातिराम, सी केदारनाथ सिंह, डी भक्त दर्शन। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न हमारा, पंच केदार में पंचम केदार किसे माना गया है?
ऑप्शन ए रुद्रनाथ, बी तुंगनाथ, सी कल्पनाथ, डी तुंगनाथ। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। 2200 प्रश्न हमारा, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने की थी? बसंत देव, व्यथामा देव, पदम देव और निम्बर देव। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। 2300 प्रश्न हमारा, परमार राजवंश में किसे चरित्रहीन राजकुमार कहा गया है? जयकीर्तिशाह, प्रक्रमशाह, मैदनीशाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न हमारा, फतेह प्रकाश जो परमार वंश से संबंधित हैं किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए रत्न कवि, बी भरत कवि, सी कवि सूरत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए रत्न कवि। और आज का लास्ट प्रश्न हमारा, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि 1815 में किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए बिहार, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी झारखंड। जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। और ये लास्ट प्रश्न आपके लिए है, कुणिंद वंश की प्रारंभिक राजधानी किस स्थान पर थी जो बाद में विराटगढ़ी स्थानांतरित हो गई? ऑप्शन ए जोशीमठ, बी कीर्तिनगर, सी प्रतापनगर और डी श्रीनगर। क्लिप पसंद आई हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एवं अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और इस प्रश्न का आंसर यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में ही दें। और आपको PDF चाहिए हो या और अन्य कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9761181917 पर संपर्क करें। धन्यवाद।